वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है एक व्लॉग। एंड येस, आई एम गोना शेयर, बहुत धूप है एक्चुअली, आई एम गोना शेयर अ डे इन माई लाइफ। एंड आज मेरा एक बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैवी शूट है। हैवी क्यों, भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा आज इस शूट के लिए। एंड मुझे जल्दी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी बज रहा है 10:30 एंड मैं चाय बना रही थी क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं चाय बना रही थी एंड चाय भी बनानी है, तो मैं चाय पी के नहाने जाऊँगी डायरेक्ट, बिकॉज मेरे बिकॉज मेरा हेयर काफ़ी ऑयली हो रहा है, तो मुझे शैम्पू करना होगा आज, बिकॉज आई कॉन्ट शूट लाइक दिस। एंड शूट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मैं बाद में शायद शेयर करती हूँ कि क्या शूट है एंड क्या नहीं। सो बेसिकली आज मैं शेयर करने वाली एक हेक्टिक डे इन माय लाइफ एंड हाउ आई मैनेज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बाय माय ओन। लाइक मैं कैसे अपना इक्विपमेंट्स सेट करती हूँ, कहाँ पे करती हूँ, कहाँ शूट करती हूँ, कैसे करती हूँ शूट एंड क्या क्या इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, वो सब डिटेल्स में मैं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं शेयर करने वाली हूँ आज बिहाइंड द सीन, जो आई थिंक मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है सच। सो या एंड आप लोग बोलते भी रहते हो कि आपका डे इन योर लाइफ शेयर करो, सो यस फाइनली आई एम शेयर माय डे, अ डे, अ हेक्टिक डे इन माय लाइफ। सो लेट्स गो। इट्स ऑल डन, अभी बज रहा है 11, मुझे 11:30 बजे तक पहुंचना है बालजुनी मेट्रो स्टेशन पे, जो वहाँ पे एक भैया आने वाले हैं जिसके पास मैं रेंट पे कपड़ा एंड ज्वेलरी लेने वाली हूँ। एंड सबसे पहले जो चीज़ करती हूँ ना, मैं नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आने के बाद मैं एक टोनर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डैम स्किन पे अप्लाई करते हो ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाता है स्किन पे, तो इसलिए मैं डैम स्किन पे सबसे पहले टोनर अप्लाई करती हूँ। एंड देन मैं अप्लाई करती हूँ मेरा बॉडी लोशन, क्योंकि वो भी डैम्प रहता है ना आपका स्किन, तो अच्छी तरह से स्किन पे ऑब्जर्व हो पाएगा। एंड बाय द वे आई एम यूजिंग डर्माको का 1% कोजिक एसिड डेली बॉडी लोशन, डेली ग्लो बॉडी सीरम लोशन। ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत नरिशिंग है। एंड क्योंकि अभी जो विंटर ऑलमोस्ट आ गया है, तो आई नीड बॉडी लोशन, अदरवाइज मैं पूरे ईयर नहीं लगाती हूँ, बस जब थोड़ा ड्राई होने लगता है मेरा स्किन तब से मैं लगाना शुरू कर देती हूँ। एंड अभी थोड़ा ड्राई हो रहा है मेरा स्किन, सो एंड ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। एंड ये ना हाइड्रेटिंग के साथ साथ इसमें कोजिक एसिड है, क्योंकि अल्फा आरब्यूटिन है, एंड ऑल्सो इसमें विटामिन सी है, ये देखो। तो ये आपके अगर डार्क स्पॉट्स है बॉडी में कोई, या फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है ना एल्बो पे एंड ऑल जहाँ पे होता है, या फिर अगर आपका बॉडी एक्ने प्रॉब्लम है एंड वो मार्क्स हो जाता है, तो ये उससे ना रिड्यूस करने में हेल्प करता है डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को। अगर आपको चाहिए कुछ ऑल इन वन सॉल्यूशन अपने बॉडी के लिए, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। यू गाइस कीप ऑन आस्किंग की दी मेरे माउथ के राउंड डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है एंड डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँगी यू कैन डेफिनेटली ट्राई देयर कोजिक एसिड फेस सीरम। ये 2% कोजिक एसिड फेस सीरम है बाई डर्माको अगेन, एंड मैं इसे रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है, मैं इसे रात के टाइम पे यूज करती हूँ, इट्स रियली रियली गुड। एंड ऑलवेज जब आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें एक्टिव हो ना, आप मेक श्योर करें कि आप ना एक अच्छा सा हेवी सा सनस्क्रीन लगाए नेक्स्ट डे, एवरी डे यू शूड यूज अ सनस्क्रीन, यू शूड नेवर स्किप अ सनस्क्रीन। जितना भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करो ना, सनस्क्रीन यूज करना अगर नहीं करोगे तो वो कोई काम नहीं करेगा आफ्टरऑल। कभी मुझे सनस्क्रीन अप्लाई करना है बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों का मेन इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड एंड अल्फा आरब्यूटिन, एंड इस सीरम में तो नाइसिनामाइड भी है, जो आपके अगेन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। आई लव नाइसिनामाइड एज अ इंग्रेडिएंट, एंड इसमें लिखा है डे प्लस नाइट, बट मैं बोलूँगी इसे आप स्पेशली इसे नाइट टाइम पे यूज करो, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड आई थिंक आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि मेरा एक कूपन कोड है डर्माको की वेबसाइट पे, जो आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, एंड जो है शर्मिली 2022 टू गेट 20% डिस्काउंट। यू गाइस नो दैट राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ये दोनों का, बाय द वे कोजिक एसिड का सीरम एंड लोशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड पता क्या है, उन लोगों का जो नया प्रोडक्ट्स है ना, नया लॉन्च वाला प्रोडक्ट्स है, वो सब जो है फ्रेग्रेंस फ्री है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है या फिर इफ यू डोंट लाइक फ्रेग्रेंस इन योर स्किन केयर products, then I think these products are just perfect for you. And the best part, whenever you buy from them now, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. And puri saal mein na, they have pledged to help 10,000 plus students. Isn't that amazing? So don't forget to check my description box. And I'm already late abhi kyunki nikalna hai mujhe bahut jaldi, so I'm gonna dry, blow dry my hair just upar se thoda bahut, and then main ready hoke nikalne wali. Yaar dekh lo, peeth pe itna bada ek bag hai. अभी बज रहा है 12:30, मैं गई थी 11:30 बजे। शूट जो है वो नायका के चैनल पे आने वाला है बहुत जल्दी,
आपको मेरे लुक देख के पता चल जाएगा कि किस बारे में शूट है। मैं जब आपके बाद मेरे लुक कंप्लीट करूँगी ना, एंड बैकड्रॉप भी अभी तक मैंने रेडी नहीं किया है, तो बैकड्रॉप देख के पता चलेगा कि आपको क्या शूट है। तो वो शूट करना है मुझे, आज ही करना है अर्जेंट बेसिस पे। आज मेरा डांस क्लास भी है जो मैं नहीं जा सकती, बिकॉज ये भैया एक्चुअली बहुत लेट कर दिया पर मुझे सब देने में। मैं गई थी, मैं बोली थी पहले 10 बजे लाओ, बट ही सेड कि 10 तो बहुत जल्दी हो रहा है, अब 11:30 बजे आओ। तो मैं उससे बोली थी कि नो प्रॉब्लम, मैं एग्जैक्ट 11:30 बजे पहुँच गई मैं मेट्रो के सामने, एंड भैया आते आते 1 घंटा लगा लिया। आज जो है थर्सडे है, आज वो लक्ष्मी पूजा होता है, तो उसके लिए उन्हें बोली कि सौंदेश आई मीन मिठाई वगैरह एंड फूल वगैरह लाओ, तो वो मैं लाई। फिर भी बहुत टाइम वेट करना पड़ा, लाइक ऑलमोस्ट या 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। अब मैं फाइनली घर आ रही हूँ, आई मीन घर पहुँच गई हूँ। मेरा फूल अटक गया। हाँ, फाइनली घर पहुँच गई हूँ, एंड माई आईज आर सुपर पर्फी बिकॉज मैं उठी हूँ आज 9 बजे एक बार, 9:30 बजे एक बार, फिर 10 बजे। ধোকলা দি ঠাকুর কিছু করার নেই। ঘর পৌঁছি জাস্ট, এন্ড मुझे अभी फटाक से बैकड्रॉप सजाना है, अभी तक बैकड्रॉप भी नहीं सजा है। मैं सोची थी कल सजा के रखूँगी बट मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो यस मुझे आज ही सजाना पड़ेगा बैकड्रॉप। सिंपल सा है बैकड्रॉप, एक शेयर कर्टन लगवा रही हूँ, एंड थोड़ा सा फूल वूल एंड फेरी लाइट देख के सजाना है। यहाँ पे मैं शूट करती हूँ, मेरे घर के इस वॉल पर करना है वो बैकड्रॉप, तो उसमें टाइम लग जाएगा। मुझे भी भूख भी लगा है, तो मैं खा लूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी सब। एंड लुक, आज मेरा शूट करना है, एंड आज दो तो पिंपल फिर से हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो पिंपल किस वजह से हो रहा है, लाइक आई डोंट नो। ओ झोल पोछी हाथ ही, ढोकला का चटनी गिर रहा है हाथ पे मेरा। यार बहुत दिन बाद मैं ढोकला खाई फिर से, सोचा एक बार लेके आते, दिखाई दिया तो मुझे मिठाई की दुकान पर मैं लेके आ गई, एंड यस मैं शिनचैन देख रही हूँ। सो दिस इज़ द बॉक्स जहाँ पे जो मेरा बैकड्रॉप है वो रिसीव हुआ था, मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था। इसमें शेयर कर्टेन है, आई मीन था, एंड ये फेयरी लाइट्स का एक बक्सा था जो मेरे पास है ऑलरेडी, बट फिर मैंने दो एक साथ ऑर्डर कर लिया बिकॉज एक्स्ट्रा रहने में कहीं गलती से नहीं है ना। एंड जो शेयर कर्टेन का लेंथ है ना वो काफ़ी अच्छा था, लाइक 7 फीट का था, एंड दो मुझे रिसीव हुआ था, लाइक सेट में रिसीव हुआ था। यहाँ पे मैं अपना बैकड्रॉप जो है सजा रही हूँ। सबसे पहले ना मैं जो फेरी लाइट्स मिला था वो जिगजैग करके, जहाँ पे मेरा बैकड्रॉप, जहाँ पे ना बैकग्राउंड होगा, जहाँ पे दिखेगा जो जगह, वहाँ पे मैं जिगजैग करके उसे लगा रही हूँ, सेलोटेप से चिपका रही हूँ, दीवार पे ही चिपका लेती हूँ बिकॉज वो दीवार वॉशेबल है, तो बाद में इसे मैं वॉश भी कर सकती हूँ। एंड शेयर कर्टन के साथ ना दो, एक जो भाई बड़ा रिबन का एक रील मिला था, तो वो रील रिबन में मैंने कर्टन जो है दोनों को एक साथ डाल दिया, एंड देन मैं एक उस पर मुझे एक स्टिकर वाला हुक मिला था, तो वो लगा के मैं उसके ऊपर चिपका लियो अच्छी तरह से, जो कि बाद में खुल गया था बाय द वे। फिर मैंने अपने जो खुद के घर पे मैंने अमेज़न से ही 5 मेरीगोल्ड का येलो कलर का जो स्ट्रैंड्स है वो 5 का सेट मंगवाई थी, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गैप गैप करके, क्योंकि मुझे ना एक ब्राइडल शूट करना है। यस, तो मुझे ब्राइडल वाला बैकड्रॉप चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा ओनली येलो चूज़ करते, एंड उसके साथ में ग्रीन लीव्स जो मेरे घर पर होगा, मेरे घर पर बहुत सारा फेक लीव्स है बाय द वे, तो मैं उसी से कुछ जुगाड़ करके कुछ बनाऊँगी एक। ये देखो मेरा बैकड्रॉप जो है वो रेडी है। वेल यहाँ पे तो कुछ खास लग नहीं रहा, लेकिन कैमरा पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, नायका पे जाके जरूर देखना। वेल अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ होगा। ओके, सो मेरा बैकड्रॉप जो है वो रेडी हो गया है, कुछ कुछ तो करके मैं रेडी की हूँ। ये देखो कुछ ऊपर नीचे कुछ बहुत ज़्यादा खराब हालत है, बट हाँ मेरा फ्रेम जो होगा वो ये होगा, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड बाकी सब दिखाई नहीं देगा। एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि मेरे सामने क्या क्या लाइट है, मैं कैसे शूट करती हूँ। सो मैं देखो मैं यहाँ पे बैठती हूँ लाइक दिस, कभी कभी मैं यहाँ पे बैठती ये वाला बैकग्राउंड लेती हूँ, कभी कभी मैं ये वाला बैकग्राउंड भी लेती हूँ, बट आज ये नहीं लेना मुझे, क्योंकि अब मुझे प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, लाइक प्लेन मतलब एक सिंगल लेयर चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है। सो यहाँ पे मैं बैठती हूँ, एंड देन
यहाँ पे मेरे बेड पे, बिकॉज जगह नहीं है घर पे, यहाँ पे मेरे बेड पे मेरा ट्राइपॉड रहता है, एक एक पैर देखो बेड पे है और बाकी दो पैर नीचे है, बिकॉज वैसे ही सेट करना पड़ रहा है। ये ऊपर मेरे बेड के ऊपर ही मेरा रिंग लाइट है, जो कि थोड़ा सा एंगल करके है मेरे तरफ, ताकि थोड़ा सा ऊपर से लाइट वगैरह ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे ना मिले। एंड देन हियर इज़ द सॉफ्ट बॉक्स, जो मैंने रिसेंटली ऐड किया है मेरे इक्विपमेंट्स में। ये मैंने परचेस किया है अमेजन से, बहुत ही अफोर्डेबल था ये। तो ये मैंने यहाँ पर रखा है साइड पे, ताकि ये मेरे बैकग्राउंड को भी यू नो लाइट अप कर सके एंड मेरे फेस के साइड को भी, बिकॉज मेरे इस साइड पे विंडो रहता है, तो इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा लाइट आता है, तो इसलिए इस साइड को बैलेंस करने के लिए मैंने ये वाला सॉफ्ट बॉक्स, दो ही लाइट जल रहा है इसमें और बाकी चार बंद है, सॉरी बाकी तीन बंद है, पाँच लाइट चल इसमें है, एंड देन ये बैकग्राउंड को भी लाइट करता है। सो दिस इज़ हाउ आई शूट अभी फ़िलहाल। तो मेरा शूट का इक्विपमेंट्स बदलता रहता है। सो अभी मुझे बस जो लास्ट काम है वो है ये बैग से, ये देखो ये बैग से सब कुछ निकालना, क्या क्या आइटम्स है वो सब निकालूंगी एंड क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट मुझे चाहिए होगा वो मैं एक जगह पे सब एक साथ करूंगी, सो दैट आई कैन वर्क इजीली। एंड ये एंड ऑल्सो ना यहाँ पे एक छोटा टेबल रहता है मेरा, टेबल या फिर चेयर जो भी कह लो, जहाँ पे भी अपना सामान मेकअप वगैरह रखते हो। कुछ छोटा है और ज़्यादा लाइक हाइट में शॉर्ट ही है, बट इससे मुझे काम चलाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो ये रहा मेरा बॉक्स जिसमें सब मेकअप का सामान रहता है, एंड मैं जो भी चाहिए होगा इस बॉक्स में निकालूंगी। एंड दो तीन चीज़ मुझे और चाहिए होगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब मैं एक साथ करके फिर शूट करती हूँ। ऑलरेडी अभी बज रहा है 2 और अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं 4:30-5 से पहले ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे ये शूट करना होगा, फिर मुझे शॉर्ट्स शूट करना पड़ेगा लाइक रील, ताकि ना ट्रांजिशन लुक के लिए, तो वो सब के लिए मुझे अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ शूट खत्म होने के बाद। मेरे फाइनल लुक में मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा क्या आया है आउटकम, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। आई होप सब कुछ अच्छा हो, मैं सबका जुगाड़ तो कर लिया है, लेट्स सी मेकअप कैसा हो। मेरा लुक हाफ वे डन है, एंड हाफ वे मतलब बस मैंने मेकअप कंप्लीट किया है, बस अभी ज्वेलरी एंड हेयर एंड चंदन जो टीका होता है ना, टीका मतलब चंदन आर्ट जो होता है ना बंगाली का, बंगाली ब्राइड्स का, तो वो होना बाकी है। एंड येस दिस इज अ ब्राइडल लुक। मेरा कैमरा चार्ज हो रहा है, दोनों ही बैटरी मेरा पूरा दोनों ही बैटरी जो है मेरा पूरा डाउन हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेके मेकअप किया है, कहते कि मैं चाहती थी कोई गलती ना हो। अभी बज रहा है 5:30 एंड अभी तक मेरा सब ख़त्म नहीं हुआ है। हेयर मेकअप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आई मीन हेयर एंड बाकी सब करने में, साड़ी पहनने में, तो मैं जल्दी से मेरा लंच करके आऊँगी, बिकॉज लंच अभी तक हुआ नहीं है, मुझे लगा था हो जाएगा विद इन 4:30 or 5, बट नहीं हुआ है अभी तक। आई थिंक इट विल टेक 1 or 1.5 hours मोर टू कम्प्लीट दिस होल शूट, सो आई एम ईट माई लंच नाउ। कि सो लंच पे आज खिचड़ी बना था एंड इसके साथ गोभी के गोभी दम गोभी या दम गोभी कह सकते हैं, एंड फिर मम्मी ने कुछ फ्राई करके दिया पापड़, एंड फिर कल का एक्चुअली मैंने कल नहीं खाया था, तो कल का प्रॉन एक प्रॉन करी था तो मम्मी ने वो भी दिया, तो मैं यहाँ पे अचार के साथ खा रही हूँ खिचड़ी, मुझे बहुत पसंद है खाना अचार के साथ। एंड ऑल्सो आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा खाते वक्त देखती रहती हूँ, पता नहीं कितने बार कितने रिपीट करके मैंने देखा हुआ ये। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक एंड आई कैन नॉट मूव माई हेड, ओके नाउ आई कैन। अभी भी शूट कंप्लीट नहीं हुआ है, बज रहा है 7:30 मेरा, मैंने जब तक मेरा कैमरा चार्ज हो रहा था तब तक मैंने अपना ये जो देख रहे हो आप माथे वाले डिज़ाइन, कॉल का डिज़ाइन, ये मैंने किया, ये बनाने में बहुत टाइम गया। देन ज्वेलरी पहनी, इसमें भी बहुत टाइम गया, बिकॉज इसका पीछे जो है एक धागा टाइप का है, क्योंकि ये सब रेंटेड है, ये ड्रेस है ना सब रेंटेड है ना, इसमें धागा टाइप लगा हुआ है, वो मुझे मेरी मम्मी घर पर नहीं है, तो अकेला बांधने में बहुत मुश्किल हुआ मुझे। एंड देन दिस इज़ द फाइनल लुक। ऊपर से मेरा हेयर करने में भी आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया, ये फ्लावर सही से चिपक ही नहीं रहा था, मतलब पिन से स्टक नहीं हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था मुझे। सो फाइनली मेरा लुक जो है यस कंप्लीट हो गया है। आई डोंट नो कैसे लग रही हूँ मैं, शायद ये नायका पे अपलोड होने के बाद आप ये ब्लॉग देख पाओगे, सो यस लेट मी नो कैसे लग रही हूँ मैं। मेरा पता नहीं है, थोड़ा शायद मैं छोटा कर दूँ, उतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट श्योर येट। अभी तक मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला है नायका से, तब तक मुझे मिल जाए कन्फर्मेशन तब तक मैं थोड़ा सा यू नो वेट करूँगी एंड शो माएगा, बिकॉज पिक्चर्स क्लिक करना है एंड मुझे नेचुरली मैं पिक्चर्स वीडियो से स्क्रीनशॉट लेती हूँ,
एंड कभी कभार मैं लैपटॉप से ऑपरेट कर लेती हूँ, बट आज मेरे पास उतना बड़ा जो USB है ना वो खराब हो गया, तो वो नहीं है आज मेरे पास, इसलिए मैं वो नहीं कर सकती. एंड मैं वीडियो से ले लेना चाहती स्क्रीनशॉट, बिकॉज उन लोगों को देना है एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो इसलिए मैंने शोन को बुलाया, उसका काम खत्म होगा 8 बजे, अजीब शिफ्ट चल रहा है उसका, तो उसके बाद वो आएगा, तब तक मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा 45 मिनट्स तक. आई एम क्वाइट इन्जॉइंग द शूट, बट द मेस जो मेरी चारों तरफ हो रखा है ना, मतलब वो वो देखने लायक है, लाइक चारों तरफ सामान पड़ा हुआ है. सो यस, फाइनली शो माया 8 बजे के बाद, 8:30 बजे, एंड मैं यहाँ पे पोज दे रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू शूट अ बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ अ शॉट, इसलिए वो वीडियो ले रहा था. एंड आई वॉज पोजिंग लाइक ऐसी भी ब्यूटी शॉट्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो आई थॉट क्यों ना आपको साथ शेयर किया जाए मैं कैसे करती हूँ. सो या, दिस इज हाउ आई डू इट. एंड यस, काफ़ी मेस हो रखा है. एंड दिस इज माई कैमरा, दिस इज माई न्यू लेंस जो मैंने अपना बंगाली चैनल पर ब्लॉग पर शेयर किया था, ये 35mm का है. And this is my tripod with my mic there, and this is how I sit. अच्छा, अभी बज रहा है 9:45 एंड शोमा भी आया था, थोड़ा हेल्प कर दिया शूट में बिकॉज मम्मी शोमा ने से 10-10 मिनट पहले बाद में आई, सो मम्मी शूट नहीं कर पा रही थी, तो आई वॉज वेटिंग एनी वे. तो शोम को बोला थोड़ा सा वीडियो एंड थोड़ा स्टिल शॉर्ट्स ले लो, कुछ मूविंग वीडियो ले लो. तो लोगों ने ज़ोर से बात की करते हैं, पता नहीं, बट सो अभी हम निकले सब तैयार व्यार करके. जो ड्रेस हमने लाई थी, लाइक मैंने जो लाई थी, वो कल वापस देना है 12 बजे सुबह. तो आज मुझे बस ATM में जाना है, उसके लिए कैश लेना है क्योंकि वो लोग GPay एक्सेप्ट नहीं करते, सो इसलिए कैश देना है. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा चाय पीने, बिकॉज आई एम जस्ट सुपर टायर्ड एंड चाय की ज़रूरत है, मुझे सख्त ज़रूरत है. अब पता नहीं क्यों बाहर वाले चाय ना पीने में बड़ा मज़ा आता है. सो हम फिर से हम जाने वाले हैं साइकिल में. घुगनी पैक करवा के लेके जा रही हूँ मैं, एंड आई लव घुगनी. मतलब वो घुगनी को क्या बोलते हिंदी में, की बोले घुगनी की हिंदी से? साइकिल एटा ब्लॉक करा बंद कर दी, মানে আর তো আর কোনো সময় নেই এটা ব্লগ করার. আরে ইটস এ ডেইলি ব্লগ না, সো আই হ্যাভ টু শো. সাইকেলে করতে হবে ভাই, বাথরুম গিয়ে করবি তাহলে. হ্যাঁ, আই শো দেম মাই শাওয়ার রুটিন. নো, ভাই নট পুরা জিবি দিখা দেতে হো কি? চাই দিয়া, চাই বহুত আচ্ছা থা ভাই তুমি. হাম বহুত দূর আতে হ্যায় ইসলিয়ে কি ইয়াহ কা চাই বহুত জ্যাদা আচ্ছা হোতা হ্যায়. এন্ড দেন কুকনি, আরে ঘোড়ে বস নিম্বু আর পকড় কে বেঠি হু মে. गड्ढा आ गया था भाई ऊपर, फिर क्या ऊपर. सो उसमें थोड़ा सा नींबू प्याज एंड मिर्ची डाल के वो लोग देते हैं, मस्त लगता है ना, होममेड वाला घुगनी होता है ना, वैसा वाला घुगनी बनाते हैं वो लोग. सो आई जस्ट लव दिस. यस ये आस्तीन. I'm enjoying my ghugni. इससे सच्ची नहीं पता, मैं भूल गई क्या बोलते हैं इसे हिंदी में. भी घुगनी बोलते हैं क्या? नहीं ना, कुछ और बोलते होंगे. ये एक दाल है, मटर दाल नहीं होता वैसा दाल है. Look at this, एकदम होममेड वाला घुगनी है, इसलिए मुझे इतना पसंद है ये वाला. मैं नींबू निचोड़ के खा लिया, पे दो दो नींबू निचोड़ लिया, फिर भी खट्टा नहीं हुआ है, बट अभी और मन नहीं कर रहा मुझे, फिर से एक बार काटो और फिर करो वो सब. एनीवे, सो अभी बज रहा है 10:30 एंड दिस इज नॉट माय डिनर. मैं मे बी इसके बाद एक रोटी खाऊंगी. ये मैं ऐसे ही बस स्नैकिंग के लिए आती बिकॉज मैं शाम में कुछ खाई नहीं. मैंने लंच ही किया 5:30 बजे, तो इसलिए उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं किया. अभी थोड़ा बहुत भूख ले रहा था इसलिए खा रही हूँ. एंड अभी जो मैंने शूट ख़त्म किया ना, इतना देर लग गया, लाइक दो मैंने 1 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लाइक बैकड्रॉप सजाना, लाइट सेटअप करना, चेक करना, वो सब स्टार्ट कर लिया था.
सब खत्म होते होते 9:30 बज गया। लाइक व्हेन आई वाज फोल्डिंग द क्लोथ्स एंड ज्वेलरी जब बक्से में डाल रही थी तब 9:30 बज चुका था। सो ऑलमोस्ट 8 आवर्स के ऊपर लगा मुझे ये शूट कंप्लीट करने में, लाइक फ्रॉम प्रिपरेशन टू फिर से संभाल के वापस रखने में। अभी भी लाइट्स वाइज से परा हुआ है क्योंकि शो में आया था, जल्दी था हम लोगों को, थोड़ा वो बोल रहा चाय पियेंगे बाहर चलो, इसलिए जल्दी निकल गए, नहीं तो वो भी मुझे संभाल के फिर निकलना पड़ता। अभी मैं जाऊँगी, वो सब जो भी लाइट्स वगैरह ट्राईपॉड्स वगैरह सब परा हुआ है सामने, फिर भी शुम थोड़ा बहुत हेल्प करके गया है, वो थोड़ा फोल्ड वोल्ड करके गया है, वो बहुत हेल्प करता है वैसे बोलूँ तो। सो अभी जो जो भी बाकी है पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है, उसे अभी सब फोल्ड करना है, उसके बाद मुझे एडिट करना है जो अभी तक मैंने शूट किया है, ये मुझे खुद एडिट करके उन लोगों को देना है, वो लोग फिर बाकी एलिमेंट्स ऐड करते हैं अलग से, तो वो लोग कल बाई बाई टुमोरो वीडियो वो लोग जा रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी अर्जेंट, क्योंकि ये शूट होने का ना लास्ट वीक बात हुई थी हम लोगों का, बट देन दे टोल्ड मी कि भी थोड़ा सा पॉज, आई मीन थोड़ा सा स्टॉप रखो शूट, बिकॉज अभी थोड़ा प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है कि कौन सा क्या हो। उसके बाद फिर से वो लोगों ने फाइनल लिस्ट मुझे भेजा प्रोडक्ट्स का, उसके बाद जाके फिर मैं आज शूट कर पाई, बिकॉज मेरा बैकड्रॉप भी कल ही आया था, जो मैंने शेयर कर्टन मंगवाई ना, शेयर कर्टन एंड फेरी लाइट्स तो मेरे पास था, बट शेयर कर्टन एंड वो जो मेरी गोल्ड का लंबा लंबा मैंने 5 टोटल स्ट्रैंड्स लाया था, येलो कलर का चाहिए था मुझे एग्जैक्ट, मेरे पास 2 था तो इसलिए मैंने और 5 ऑर्डर कर लिया, और वो नया भी दिख रहा है तो अच्छा लग रहा था वो, तो इसलिए वो बैकड्रॉप मैंने कल ही ऑर्डर किया, कल मुझे रिसीव हुआ था अमेजन से, इसलिए मैंने आज शूट किया। एंड ऑल्सो मेरे पास एक कंसीलर नहीं था, जो मेरे पास मुझे लगा कि था, फिर सौ की नहीं है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो मुझे वो खरीदने में टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था आसपास, तो ये सब करते करते टाइम लग गया। एंड आज है 3 नवंबर, ये होने वाला था अक्टूबर के लास्ट वीक में, अगर लास्ट वीक में होता तो बहुत ही अच्छा होता, बिकॉज सब में एकदम थोड़ा बहुत फ्री थी, एकदम मतलब थोड़ा बहुत फ्री थी, एकदम फ्री नहीं बोलूंगी, बट इस वीक में ना लाइक हर महीने के 1 तारीख से लेके 15 और 18 तारीख तक ना एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वही हुआ इस बार भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मुझे नेक्स्ट वीक एक और ब्राइडल शूट करना है, वो दूसरे ब्रांड के लिए, जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज वो पहली बार है मेरा नॉट द कोलैबोरेशन बट वैसा डेडिकेटेड वीडियो फॉर देयर चैनल, इट्स फर्स्ट टाइम, एंड वो ब्रांड बहुत वेल नोन ब्रांड है, तो इसलिए वो मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट वो भी शूट करना है, उसके लिए भी मैंने कुछ ज्वेलरी एंड ड्रेस आउटफिट प्लान करके रखा हुआ है, वो भी मैं वही भैया से लूँगी, वो नेक्स्ट वीक में मंडे शूट करने वाली हूँ। तो ये इसके बीच में ही मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा शॉर्ट्स एंड रील वाला शूट है, देन यूट्यूब का 2-3 शूट है, तो ये सब ब्रांड का बीच में बहुत सारा है, तो ये पूरा वीक है ना, 2 या 3 वीक पूरा हेक्टिक होने वाला है मेरा इस साल, आई मीन इस महीने, इस नवंबर मंथ में। और फिर आज 3 तारीख है, 7 तारीख को मेरा एक कज़न दीदी के घर पे जाने के लिए बोल रहे, वहाँ पे नवोद्वीप में है वो, वहाँ पे राश होता है, राश अगर आपको, अब बंगाली हो तो पता होगा आपको, तो उसमें बहुत धूमधाम करके वो राश जो है, राश वहाँ पे होता है, नवोद्वीप में होता है, तो हम लोग को बोल रहे कि जाने के लिए, बट सच बताओ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ, जाने का मन तो बहुत है लेकिन नहीं जा पाऊंगी शायद। ओके सो अभी थोड़ा बहुत घर मैंने साफ किया है, अभी कुछ कपड़े इधर उधर पड़ा हुआ, इधर उधर नहीं, एक जगह पे मेरा यहाँ पे एक बेड के कॉर्नर पे एक जगह है, उस जगह पे पड़ा हुआ है, वो मुझे फोल्ड अभी नहीं करना बिकॉज सच में मन नहीं कर रहा। सो अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रीम कर रही हूँ मेरे गेमिंग चैनल पर, ये देखो अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने स्ट्रीम करना, स्टार्ट करूँगी शायद, बट थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं कि कैसे मैं करती हूँ वो सब। तो मेरे यहाँ पे ये रहा मेरा सिस्टम, एंड मेरे यहाँ पे एक छोटा सा रिंग लाइट है जस्ट फॉर स्ट्रीमिंग पर्पस, ये मैं और दूसरे का यूज़ नहीं करती हूँ, एंड यहाँ पे एक छोटा ट्राईपॉड भी है जिसके साथ यहाँ पे रहता है, इधर इसका परमानेंट प्लेस है, एंड दिस इज़ माई हेडफोन, बिग गेमिंग हेडफोन जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मेरे कुछ देर बाद सर दुखने लगता है, एंड दिस इज़ माई कीबोर्ड, एंड यहीं पे बेसिकली मैं अपना सब, एंड ये मेरा फिर से और एक प्लेस, मेसी प्लेस जहाँ पे सब रहता है। सो मेरा बस जब स्ट्रीम होता है ना तो मैं पूरी घर की जो लाइट है लाइक ट्यूब लाइट्स जो है बंद कर देती हूँ, एंड पीछे मेरा एक ये वाला टेबल लैम्प जलता है, लाइक बेड साइड लैम्प जो है मेरा वो जलता है, एंड देन रिंग लाइट जलता है, दैट्स इट, दैट्स इनफ, क्योंकि मेरा लाइट जो है वो इस साइड पर है,
इसलिए अगर मैं स्ट्रीम करती हूँ तो अजीब सा एक शैडो आता है, फीस अजीब लगता है, वही मैं वो लाइट बंद करके रखती हूँ, वैसे भी कोई जरूरत नहीं होता। एंड ये रिंग लाइट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ये USB पे चलता है, तो मैं इसे डायरेक्टली मेरे सिस्टम के पीछे ऐसे लगाया हुआ है, इसके लिए कोई अलग से पावर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर चलेगा तो ये भी चलेगा, यू कैन टर्न इट ऑफ ऑल्सो। एंड आप इसे ना इसे वार्म बना सकते हो, सी, फिर इसका ऐसे कूल टोन बना सकते हो, और एक जो है न्यूट्रल टोन है, तो मैं इसे न्यूट्रल टोन पे रखती हूँ। एंड आपका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हो, लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, बट इतना मुझे नहीं चाहिए होता गेमिंग के लिए, तो बिल्कुल नहीं, मेरा आप पे भी दुखता है, सो मैं इसे एकदम लोवेस्ट जो सेटिंग्स है लाइक हाँ इस पर रखती हूँ, एंड देन मैं स्ट्रीम करती हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे, बिकॉज मेरा पेट पूरा भर चुका है, मैंने एक बाउल भर के जो घुघनी दाल जो है वो खाई है मैंने, तो आई डोंट थिंक मैं रात में कुछ खाने वाली हूँ, और रात में मैं ग्रीन टी पी के सो जाऊँगी, बिकॉज खुद को दिलासा दिलाने के लिए ना ग्रीन टी पीना पड़ता है कि हाँ तुम मोटी नहीं हो रही हो, तुम कंट्रोल कर रहे हो, सो इसलिए मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट बिकॉज आज मन नहीं कर रहा, मैं बस ट्रांसफ़र करूँगी मेरे कंप्यूटर्स में, मेरे लैपटॉप पे, मेरे कैमरा से ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज बहुत सारा फाइल्स है, बहुत लंबा लंबा साइज़ का, मतलब बड़ा साइज़ का फाइल्स है, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, वो करने के बाद फिर मैं आज छोड़ दूंगी, आज मैं कुछ नहीं करूँगी, जल्दी सो जाऊँगी, बिकॉज कल फिर से सुबह उठ के मुझे वो बैग जो है जो मैंने रेंट पे लिया था, ड्रेस वगैरह वो सब कल रिटर्न करवाने जाना है, सुबह 11:30 बजे जाना है, वो करके वापस आके फिर मुझे एक शॉर्ट नहीं, एक वीडियो स्टोरी शूट करना है, एक रील शूट करना है, उसके बाद मैं एडिट करना शुरू करूँगी, मैं मतलब मैं रात कल रात तक मैं उन लोगों को वीडियो सबमिट कर दूँगी, तो वो वीडियो बहुत लंबा है एंड बहुत ज़्यादा मैंने रीटेक लिया है, तो आई थिंक शूट करने में मुझे 3-4 घंटा तो आराम से लग जाएगा, ऊपर से वॉइस ओवर देना है उन लोगों को, फिर वीडियो देने के बाद, क्योंकि पूरा वीडियो बंगाली में है, तो बंगाली में मुझे फिर से स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसे मुझे बेसिकली सबटाइटल्स, क्योंकि उन लोगों किसी को बंगला नहीं पता, बात वो लोग बोलते हैं मुझे कि अगर बंगला वीडियो बना रहे हो तो जो जो बोल रहे हो ना वो आप सबटाइटल्स लिख के दे दो, तो यार हम उसमें ऐड कर सकते हैं अलग से, वो मुझे ऐड करना नहीं होगा, वो लोग कर देंगे ऐड, बट मुझे लिख के पूरा डिटेल्स में देना पड़ेगा, तो उसमें भी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, सो बहुत ज़्यादा काम है। तो या ऐसा ही अगर मेरा कोई शूट रहता है ना, ऐसा ही मेरा हेक्टिक दिन चलता है पूरा। एंड मैं आज का छोटा ब्लॉग था आई नो, बट मैंने आपका सेटअप दिखाया, बट हाँ मैंने क्या क्या यूज़ किया है ना, ट्राईपॉड, रिंग लाइट, कैमरा एंड ऑल दैट, वो सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मैं मेरा इक्विपमेंट्स का लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर आपको चाहिए, बिकॉज हम हमेशा पूछते रहते हो क्या क्या यूज़ करते हो आप, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया हुआ रहता है, आप बस चेक नहीं करते, तो जाके एक बार चेक कर लेना इस वीडियो के नीचे। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, ऐसे जाता है मेरा हेक्टिक दिन हो ना हो, अगर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होती हूँ ना, मैं गेम तो खेलती हूँ एंड स्ट्रीम भी करती हूँ, आज ही मैं स्ट्रीम करूँगी फॉर 1 आवर, बिकॉज अभी बज रहा है 11:30, 1 या 2 आवर्स तक करूँगी, उसके बाद आज के लिए बस इतना है। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू अगेन, बाय।